जैसा कि आप जानते हैं कि पहले GNCTD अमेंडमेंट का जो ऑर्डिनेंस आया था और अब जो GNCTD एक्ट के अमेंडमेंट का बिल संसद ने पास किया है, उसने दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई। पिछले कई महीनों से ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, कई प्रकार के गतिरोध आ रहे थे अफसरशाही के बीच में, सरकार के बीच में, जिससे ये मीटिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। ये फैसला हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं और क्योंकि इस बिल को अभी संसद ने पास किया है। जब तक ये बिल कानून है, इस कानून का हम सम्मान करेंगे और जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हो सके उसके लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि किस प्रकार दिल्ली के सभी विभागों में, दिल्ली की जो GNCTD के सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें और नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में समन्वय कैसे बन पाए, उसके लिए आज सर्विसेज मिनिस्टर और विजिलेंस मिनिस्टर होने के नाते मैंने एक ऑर्डर जारी किया है और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि रेगुलर बेसिस पर नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होगी। हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन जब तक ये कानून है, जब तक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है, हम इस कानून का सम्मान करेंगे। हम इस कानून का सम्मान इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली वालों का कोई भी काम ना रुके और दिल्ली वालों के काम होते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हो और सभी विभागों में और अथॉरिटी में एक समन्वय बना रहे।